हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम रीट की लेवल फर्स्ट के रिजल्ट से रिलेटेड एक अपडेट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे, जिसमें आप देख सकते हैं ये एक पत्रिका की न्यूज है, साथ ही उपेन यादव के द्वारा भी एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, उसे भी हम देखेंगे। सो पहले हम ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं पत्रिका की, जिसमें आप देख सकते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक शिक्षकों के 54,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके आंसर की भी आ चुकी है रीट की, और आप लोगों से ऑब्जेक्शन भी आप लोगों ने दे दिया है। सभी जिन क्वेश्चंस पर आप लोगों को डाउट था कि इनके आंसर्स गलत दिए हैं, सो आपत्तियाँ, बहुत सारी आपत्तियाँ दर्ज हो चुकी है, और 14 क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगाए हुआ है, और 14 क्वेश्चन आपको बोनस मिलने के चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेवल फर्स्ट का और सेकंड में जो ऑब्जेक्शन है, उसके बाद जो संशोधित आंसर की है वो बाद में आएगी, पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। तो फ्रेंड, आप लोगों के रिजल्ट की तैयारियाँ जारी कर दी गई है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 54,000 पदों पर भर्ती की तैयारियां, देखिए जल्दी आपकी भर्ती कंप्लीट होने वाली है। सरकार ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में 5 मार्च को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 54,000 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी थी। इनमें से तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकेंड के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कर दी गई है। इसमें लेवल प्रथम के 26,000 हैं और 28,000 आपके लेवल सेकेंड के हैं। इन भर्तियों को लेकर सरकार ने इस 2 अप्रैल को प्राथमिक उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती, अनुसूचित क्षेत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र लेवल फर्स्ट का अलग अलग अनुमोदन किया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 के प्रथम लेवल का परिणाम जारी करने पर 26,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों के लेवल फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 26,000 पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने तैयारियाँ कर ली है। तो देखिए, लेवल फर्स्ट का जो रिजल्ट है उसकी वो बिल्कुल तैयार है और उसकी भर्ती कंप्लीट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा अपडेट आप ये भी देख लीजिएगा, राज्य सरकार के 28,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग स्तर पर द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के DCP होने पर जिले व विषयवार रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा। राजस्थान पात्रता परीक्षा 2017 लेवल सेकंड का परिणाम जारी होने पर अध्यापक लेवल द्वितीय अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 28,000 पदों के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन दिए जाएंगे। सो इस इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता लग गया है फ्रेंड्स कि आप लोगों के जो लेवल फर्स्ट है उसका रिजल्ट पहले आएगा और लेवल सेकंड का उसके बाद आएगा। लेवल फर्स्ट का रिजल्ट कब आ रहा है और इसका सबसे पहले हम उपेन यादव जी की जो न्यूज़ है उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि लेवल फर्स्ट के रिजल्ट से रिलेटेड उनकी क्या अपडेट है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये उपेन यादव जी जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासभा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है और लगभग इनका प्रिडिक्शन सही निकल रहा है कि रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट इसी वीक जारी हो सकता है, हो जाएगा, और आज कल में रिजल्ट जारी होने की ज़्यादा संभावना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम जारी करेगा। तो ये उपेन यादव जी ने रीट लेवल फर्स्ट के रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिनके द्वारा शेयर की गई है। सो फ्रेंड्स, इसी वक्त सप्ताह में यानी कि अप्रैल के जो आपका वीक चल रहा है, इसी वीक में आप लोगों का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन है जो हम देख लेते हैं, रीट लेवल फर्स्ट के रिजल्ट के बाद बीकानेर निदेशालय के माध्यम से 1-2 दिन में ही शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट पदों की विज्ञप्ति जारी करने की बीकानेर निदेशालय की तरफ से पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। सो फ्रेंड्स, ये उपेन यादव जी ने भी बता दिया है कि ये रिजल्ट इसी सप्ताह आने वाला है और इस वीक आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा लेवल फर्स्ट का। लेवल सेकंड का रिजल्ट आप सभी को पता ही है, उस पर थोड़ी अभी कोर्ट में चल रहा है, सो उस पर भी जल्दी ही आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो लेवल फर्स्ट वाले एक्सपीरियंस के लिए तो गुड न्यूज़ है, उनका रिजल्ट इसी सप्ताह आने वाला है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ नॉलेज प्लेनेट इंडिया के साथ, और आप लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक एंड गुड बाय।